भोली बाय के ए अब्बास। भोली लेसन को के ए अब्बास ने लिखा है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज भोलीज फादर रामलाल वरीड अबाउट हर एंड नॉट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन। भोले के पिता रामलाल उसके बारे में क्यों चिंतित हैं जबकि वह अपने दूसरे बच्चों के लिए इतने चिंतित नहीं है जितने चिंतित वो भोले के लिए हैं। रामलाल इज वरीड अबाउट भोली। रामलाल भोले के बारे में चिंतित हैं एज सी इज नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि वह सुंदर नहीं है। सी स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग, बोलने के दौरान वह हकलाती है। सी हैज़ नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वह तेज तर्रार है और ना ही देखने में वह अच्छी है। टू गेट अ ब्राइड ग्रूम फॉर सच अ चाइल्ड वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ऐसे बच्चे के लिए दूल्हा ढूंढना एक समस्या थी। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। किन असामान्य कारणों की वजह से भोली को स्कूल भेजा जाता है। भोली इज सेंट टू स्कूल नॉट फॉर एजुकेशन। भोली को स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता है। सी वॉज सेंट देयर सो दैट हर टीचर्स वुड वरी अबाउट हर। उसे स्कूल इसलिए भेजा गया था ताकि उसके गुरुजन उसकी देखभाल कर सकें। डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली स्कूल में अपना पहला दिन इंजॉय करती है। नो नहीं, भोली डज नॉट इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली स्कूल में अपने पहले दिन खुश नहीं रहती है। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है। सी इज फियरफुल ऑफ एवरीथिंग देयर, क्योंकि वह स्कूल में हर चीज़ से डरी रहती थी। वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोले के माँ बाप दिसंबर की शादी का जो प्रस्ताव है क्यों स्वीकार कर लेते हैं। बिकॉज दिसंबर इज ए रिच मैन, क्योंकि दिसंबर एक अमीर आदमी है। हु डज नॉट नो अबाउट भोलीज पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। दिसंबर एक अमीर आदमी है जो कि भोली की लैक ऑफ सेंस को नहीं जानता और ना ही वह उसके चेचक के दागों के बारे में जानता है। अबो ऑल, इन सब से बढ़कर, ही डिमांड्स नो डावरी, वह कोई दहेज की मांग नहीं करता है। वाई वॉज सुलेखा निक नेम्ड एज भोली। सुलेखा को भोली नाम से क्यों पुकारा जाता था। उसका निक नेम भोली कैसे पड़ गया था। बिकॉज शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड शी हैड फॉलन ऑफ द कोर्ट ऑन हर हेड डैमेजिंग हर ब्रेन, क्योंकि भोली एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बचपन में अपने पालने से सिर के बल नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग जो था वो डैमेज हो गया था, उसको नुकसान पहुंचा था। सो सी वॉज निक नेम्ड एज भोली, इसीलिए उसका निक नेम जो था भोली रख दिया गया, द सिंपलटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया था। बिकॉज ऑफ हर ब्रेन डैमेजिंग, ब्रेन डैमेज की वजह से, उसके दिमाग को नुकसान होने की वजह से सी वॉज नॉट एबल टू स्पीक टिल सी वॉज 5। वह 5 सालों तक बोलने के योग्य नहीं हो पाई थी। सो सी स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, इसीलिए जब वह बोलती थी तब वह हकलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज भोली रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। भोली अपने पिताजी के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं थी। बिकॉज शी डिड नॉट नो मच अबाउट स्कूल एंड गॉट फ्राइटन्ड, क्योंकि वह स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी और वह डर गई थी। सी थॉट दैट सी वुड बी टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस लाइक देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी। उसने सोचा कि उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी की तरह ही उसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिड सी इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या स्कूल में उसने अपने पहले दिन को इंजॉय किया। जब वह स्कूल पहले दिन गई तो क्या वह खुश थी। वट मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे, और ऐसा क्या हुआ कि उस दिन वह खुश हो गई। रामलाल टुक भोली टू स्कूल। रामलाल भोली को स्कूल ले गए।
शी वॉज आस्क्ड टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। उसे बहुत सारी कक्षाओं में से एक कक्षा के एक कोने में बैठने के लिए कहा गया था। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल। उसे स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट शी फेल्ट ईज वेन शी फाउंड सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज। परंतु उसने अपने आप को चिंता मुक्त महसूस किया जब उसने अपनी उम्र की और बहुत सारी लड़कियों को वहाँ पर पाया। द टीचर वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग विच टचिज हर हार्ट। अध्यापिका बहुत देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली थी, और अध्यापिका के प्यार और केयरिंग ने उसके दिल को छू लिया था। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। दिसंबर के साथ बोली की जो शादी है वो क्यों नहीं होती। ऑन सीइंग बोली पोक मार्क्स दिसंबर डिमांडेड 5,000 रुपीज एज डाउरी। भोली के चेचक के दागों को देखकर दिसंबर ने दहेज के रूप में 5,000 रुपए की मांग की थी। ऑल दो हर फादर वॉज एग्रीड टू पे, येट सी रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रीडी मीन एंड कंटेम्पटेबल कावर्ड। हालांकि उसके पिताजी पैसे देने के लिए सहमत हो गए थे, फिर भी उसने ऐसे लालची मीन और शेमफुल कावर्ड के साथ शादी करने से मना कर दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।